हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? पढ़ाई कर रहे हैं? पढ़ते रहिए। आइए, आज का हमारा सब्जेक्ट है एडवांस ऑडिटिंग। एडवांस ऑडिटिंग उच्चतर अंकेक्षण, ठीक ना। इस टॉपिक में आज पढ़ेंगे संचय तथा आयोजन। क्या पढ़ेंगे? संचय तथा आयोजन। संचय आयोजन को अंग्रेजी में रिजर्व एंड प्रोविजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रिजर्व एंड प्रोविजन कहा जाता है। प्रश्न यह है कि संचय हमारा क्या है? सबसे पहले शुरू करते हैं संचय, अर्थात रिजर्व किसे कहते हैं, संचय किसे कहते हैं? ध्यान से सुनिएगा। भविष्य की, पहले वो सब छोड़िए, सिंपल लैंग्वेज में सोचिए। मान लीजिए कि आप कमाते हैं और कमाने के बाद से चाहे जितना भी 10,000 कमाते हैं, 20,000 कमाते हैं, जितना भी कमाते हैं, टोटल पैसा खर्च नहीं करते हैं, जरूर कुछ न कुछ रुपया बचा कर रखते हैं। तो बचा कर रखते हैं, अब किस कार्य के लिए रखते हैं ये भी कोई निश्चित नहीं है, बस हमें बचाना है कुछ रुपया। लेकिन उस बचाने का मुख्य उद्देश्य होता है कि भविष्य में कभी पैसे की आवश्यकता हुई, कोई कार्य पड़ा या किसी भी प्रकार की समस्या हुई, तो उस धन से उसका कुछ समाधान कर सकते। तो भविष्य के लिए जो हम पैसा या धन बचा कर रखते हैं तो उसी को हम संचय कहते हैं। कन्फर्म? ठीक उसी तरह यहां संचय का मतलब है भविष्य की अनिश्चित हानियों को पूरा करने के लिए, भविष्य की अनिश्चित हानियों को पूरा करने के लिए जो धन बचाया जाता है, जो धन इकट्ठा किया जाता है, जो धन इकट्ठा किया जाता है, तो उसी को संचय कहा जाता है। ठीक ना। संचय का मतलब क्या होता है? भविष्य की अनिश्चित हानि को पूरा करने के लिए बचाए गए धन को क्या कहते हैं? संचय कहा जाता है। संचय की एक और विशेषता होती है कि संचय में कोई अमाउंट फिक्स नहीं होता है कि आपको कितना बचाना है। आप जितना चाहें उतना बचा सकते हैं, 10 रुपया भी बचा सकते हैं, 10,000 भी बचा सकते हैं, 10 लाख भी बचा सकते हैं, आपकी इनकम के ऊपर निर्भर करता है, फिक्स नहीं रहता, नहीं भी बचा सकते। मतलब कि जो भी धन भविष्य के लिए आप बचाए हैं, फ्यूचर के लिए अपने बचाए हैं कि भविष्य में कभी भी किसी भी प्रकार की दिक्कत परेशानी होगा या कोई समस्या समाधान करना होगा या कुछ खरीदना ही हो, तो उससे हम उसकी पूर्ति कर सके, तो इसी को क्या कहते हैं? संचय कहा जाता। अब बारी आती है प्रश्न में आयोजन। आयोजन को ही प्रावधान भी कहा जाता है, जिसको अंग्रेजी में प्रोविजन कहा जाता है। प्रश्न है कि प्रावधान या आयोजन क्या होता है? सेम इसके विपरीत है। सेम क्या है? इसके विपरीत है। विपरीत क्या है? इसमें भी वही कार्य किया जाता है, बस एक वर्ड का चेंज है। इसमें क्या है? भविष्य की किसी निश्चित हानि को पूरा करने के लिए जो धन इकट्ठा किया जाता है या एक निश्चित धन राशि एकत्र की जाती है, उसी को आयोजन कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कि आप 20,000 रुपये महीना कमाते हैं, आप ये फिक्स कर लिए कि हमको 5,000 रुपया हर महीने बचाना है, चाहे जो भी परिस्थिति, 5,000 रुपया प्रति माह बचाना है। किस कार्य के लिए बचाना है? हमको जमीन खरीदना है,
नया मकान बनवाना, शादी ब्याह करना है, या कोई गाड़ी खरीदना है, मतलब आपका प्रयोजन फिक्स रहता है कि हम जो पैसा बचा रहे हैं इस कार्य के लिए बचा रहे हैं, और अमाउंट भी फिक्स रहता है कि किसी भी परिस्थिति में हमको 5,000 बचाना है, 2,000 बचाना है, 10 ही रुपया बचाना है, लेकिन बचाना है। तो इस कार्य को क्या कहा जाता है? आयोजन कहा जाता है। मतलब इसमें क्या होता है, भविष्य की किसी निश्चित हानि को, किसी निश्चित हानि को पूरा करने के लिए, करने के लिए जो निश्चित धनराशि एकत्र की जाती है, एकत्र की जाती है, उसे क्या कहा जाता है? प्रावधान या आयोजन कहा जाता है, कहा जाता है। ठीक है, वैसे देखे होंगे बड़ी बड़ी कंपनियां या फैक्ट्रियां डेप्रिसिएशन लगाती हैं, ह्रास संपत्तियों पर लगाती है, वो इस उद्देश्य से लगाती है कि प्रतिवर्ष इस पर कटौती की जाएगी, और कटौती की धनराशि जो बची रहेगी उससे हम क्या करेंगे, नई संपत्ति प्रतिस्थापित कर लेंगे, मतलब खरीद लेंगे। बड़ी बड़ी कंपनियां पैसा जो एकत्र करती हैं, फिक्स पैसा एकत्र करती हैं, ताकि कि हर एक चीज की लाइफ होती और वह संपत्ति एक निश्चित समय के बाद मूल्यहीन हो जाती है, इसलिए वह अमाउंट इकट्ठा करते रहते हैं, और वो इकट्ठा अमाउंट जब वो संपत्ति देखते हैं कि बेकार हो गई है, प्रचलन हो गई है, तब उसे क्या करते हैं, उसकी जगह पर नई संपत्ति को प्रतिस्थापित करते हैं। जैसे देखिए, मान लीजिए कि आपने एक गाड़ी खरीदी, स्टार्टिंग में गाड़ी बहुत अच्छी चलेगी, अच्छे कंडीशन पे चली, धीरे धीरे जैसे जैसे पुराना होगा तो गाड़ी क्या हो जाएगा, पुराना हो जाएगा, उतनी अच्छी भी नहीं चलेगी, उसमें तमाम परेशानियां दिक्कत आ जाएंगी। तो ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए, पहले ही से नया गाड़ी खरीदने का प्रयोजन करना चाहिए और थोड़ा थोड़ा अमाउंट जमा करना चाहिए, ताकि 5 साल 7 साल बाद जब गाड़ी अच्छे कंडीशन में न रहे तो उस गाड़ी को बेच दे और उसके जगह पे जो पैसा इकट्ठा किए है उसे नई गाड़ी खरीद ले। ये क्या है? आयोजन। ठीक ना, आयोजन की विशेषता होती है कि आयोजन की धनराशि निश्चित होती है और निश्चित उद्देश्य के लिए की जाती है, आपका फिक्स रहता है कि जो पैसा हम इकट्ठा कर रहे हैं वो इसी कार्य के लिए कर रहे हैं। ठीक है, तो यह था संचय और यह था आयोजन। इसमें क्वेश्चन ये भी पूछता है, संचय आयोजन के साथ साथ कि इन दोनों में अंतर क्या है, आइए इसको भी बता दे रहे हैं। संचय तथा आयोजन में हम इसको दो पार्ट में बांट देंगे, एक पार्ट को कर दे रहे हैं संचय और दूसरे पार्ट को कर दे रहे हैं आयोजन। ठीक है, संचय आयोजन, कोई दिक्कत? अभी जो बताया है इसके अकॉर्डिंग संचय क्या होता है, भविष्य की अनिश्चित हानि को पूरा करने के लिए किया जाता है। पहला क्या है, यह भविष्य की अनिश्चित हानि को पूरा करने के लिए किया जाता है। ठीक है, यह क्या होता है, यह भविष्य की निश्चित हानि को पूरा करने के लिए किया जाता है। कंफर्म, इस अंतर से आपका इसका डेफिनेशन भी कंफर्म हो जाएगा। यह भविष्य की अनिश्चित हानि जिसके बारे में पता नहीं है को पूरा करने के लिए किया जाता है संचय, और आयोजन निश्चित हानि को पूरा करने के लिए किया जाता है। दूसरा, संचय अनिवार्य नहीं है,
नहीं है, जबकि इसमें क्या है, आयोजन अनिवार्य है। संचय करना, आपको प्रेशर नहीं दिया जा रहा है कि आप बचाइए, आपकी मर्जी, बचाइए चाहे उड़ाइए, लेकिन आयोजन करना एकदम अनिवार्य है। आपको खरीदना है तो वहां पे बचाना पड़ेगा, ठीक है। अगला क्या है, संचय में जो होता है इसमें धनराशि, जो धनराशि हमारी होती है, अमाउंट होती है, निश्चित नहीं होती है, निश्चित नहीं होती है। इसमें क्या होता है, इसमें धनराशि निश्चित होती है, निश्चित होती है। मतलब इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है संचय में कि आप 10 रुपया बचाइए, कितना बचाइए, आज है तो बचाइए, नहीं है नहीं बचाइए। अर्थात यह लाभ होगा तो बचाएंगे, नहीं वो होगा तो नहीं बचाएंगे। इसमें चाहे लाभ हो चाहे हानि हो, हर परिस्थिति में आपको बचाना है, और अमाउंट फिक्स होती है कि इतना ही करना, ठीक है। अगला है इसमें, इसका उपयोग लाभांश के लिए भी किया जा सकता है, ठीक है। मतलब संचय का प्रयोग हम अंशधारियों में लाभांश बांटने के लिए कर सकते हैं, लेकिन आयोजन का उद्देश्य इसको लाभांश बांटने में प्रयोग नहीं कर सकते हैं, प्रयोग नहीं कर सकते, समझ गए। मतलब इसका प्रयोग अब अंशधारियों में लाभांश बांटने के लिए नहीं कर सकते, जबकि इसका कर सकते हैं। अगला क्या है, संचय से इसमें क्या होता है, इससे कार्यशील पूंजी में वृद्धि होती है। इससे क्या होता है, संचय कर रहे हैं तो हमारी पूंजी में क्या होती है, वृद्धि होती है, हमारी पूंजी इंक्रीज करती है, ताकि उसको व्यवसाय में और ज्यादा प्रयोग किया जा सके, ठीक ना। जबकि आयोजन में इससे व्यवसाय की आर्थिक व वित्तीय स्थिति सुदृढ़ होती है, वित्तीय स्थिति सुदृढ़ होती है। यही आपका ये टॉपिक है आज का, संचय तथा आयोजन। कन्फर्म हुआ आपका कि संचय किसे कहते हैं, आयोजन किसे कहते हैं, और इन दोनों में अंतर। अगले वीडियो में एक लेक्चर और बनेगा कि संचय कितने प्रकार के होते हैं, इसके कुछ एग्जाम्पल्स, आयोजन के कुछ एग्जाम्पल, और उस पर अंक छक्के क्या कर्तव्य। तो फिलहाल ये पूरा डिटेल नोट कर लीजिएगा, ये ध्यान दीजिएगा, आपको जो भी लेक्चर में बताया जा रहा है यह उस टॉपिक का मेन में पॉइंट लिख दे रहा हूँ, चाहे तो इसे याद भी कर सकते हैं। एक चीज और बता दे रहा हूँ, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी टॉपिक हो, कोई भी चैप्टर, यदि आप बुक से पढ़ रहे हैं तो बुक से तो समझ तो जाएंगे, लेकिन पूरा चाहेंगे कि बुक याद नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए सिंपल एक आसान तरीका आपको बता रहे हैं, कोई भी चैप्टर या टॉपिक उठाइए, जैसे मान लीजिए संचय के बारे में उठाएगा, आयोजन के बारे में उठाएगा, या अदर किसी भी चीज का, उसको बहुत गहराई से उसको डीपली पढ़िए, ध्यान दीजिएगा बात को, डीपली उसको पढ़िए। मतलब हम कैसे उस विषय पर लिख सकते हैं इसके बारे में बताएं, डीपली पढ़िए। अब पढ़ने के बाद से एक पेज दो पेज पढ़ेंगे या पूरा टॉपिक पढ़ेंगे, और अपने मस्तिष्क से दिमाग में यह निकालिए उसका निचोड़ कि इस टॉपिक के कहने का मतलब क्या है। हम इसी सब्जेक्ट के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम किसी भी सब्जेक्ट के बारे में,
यानी कोई भी शब्द, पूरा पढ़ने के बाद फाइनल निचोड़ निकालिए दो तीन लाइनों में कि इसका मतलब क्या होता है। जब यह निचोड़ निकल जाएगा कि संचय का मतलब यह होता है, इस टॉपिक का मतलब यह होता है, तो एग्जाम में यदि उस विषय पर क्वेश्चन आ रहा है तो आप जितना चाहें उतना लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? जितना चाहें उतना लिख सकते हैं, ठीक है ना। मतलब जब उसकी कुछ महत्वपूर्ण बिंदुएं जान जाएंगे, जैसे मान लीजिए कि संचय के बारे में बताए कि भविष्य की अनिश्चित हानि को पूरा करने के लिए जो धन इकट्ठा किया जाता है उसे संचय कहा जाता है, तो डायरेक्ट एक लाइन पढ़ने से ये कंफर्म नहीं होगा। ये संचय के बारे में पूरा पढ़ेंगे उसके एग्जाम्पल सहित, तब यह जाके निचोड़ निकलेगा। और जब उसका सारांश आप जान जाएंगे तो उस विषय पे एक पेज, दो पेज, तीन पेज, जितना चाहे उतना अपने दिमाग का, ब्रेन का प्रयोग करके लिख सकते हैं। तो थ्योरी वाला जो पार्ट्स है ऐसे इस्तेमाल करिए। चलिए ठीक है, आप लोग पढ़िए, और मैं चाहूँगा कि हमारे वीडियो को अपने फ्रेंड में भी शेयर करें, और जो हमारे चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाला वीडियो हमें मिल सके। फिर अगले वीडियो में कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।